किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। वो रिश्ता भले ही दो लोगों के बीच हो या फिर दो देशों के बीच। और अगर एक देश दूसरे देश को किसी भी रूप में पटखनी देना चाहता है तो सबसे पहले वो उसके विश्वास को छलता है, और उसके लिए दूसरे देश को धोखा देना बहुत ही आसान हो जाता है। और देशों को छलने की बात की जाए तो उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो पाकिस्तान के अलावा और किसका हो सकता है। पाकिस्तान शुरू से ही भारत से तो विश्वासघात करता आया ही है, साथ ही अन्य देशों से भी धोखाधड़ी का काम उसने बखूबी निभाया है। और किसी देश को धोखा देने के लिए सोशल मीडिया के इस दौर में जो तेजी से चलने वाला ट्रेंड है वो है हनी ट्रैप। जी हाँ, हनी ट्रैप, जिसमें एक देश की महिला दूसरे देश से जुड़े अहम लोगों के करीब आती है और उनसे देश की खुफिया जानकारियां जुटाती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी देश की खुफिया जानकारी उस देश की सेना के अलावा और किससे निकाली जा सकती है, और यही करती हैं दूसरे देश की महिलाएं। दुश्मन देश की खुफिया जानकारियों को जुटाने के लिए सेना के जवान को फंसाया जाता है, उससे मोहब्बत का ताना बाना बुना जाता है, और जरूरत पड़े तो शादी भी कर ली जाती है सिर्फ विश्वास के आधार पर। और देश से जुड़ी जानकारियां जुटाने के बाद बारी आती है विश्वास को छलने और अपने पति या जिस मोहब्बत की कस्में खाई जाती हैं उससे बेवफाई कर देश के साथ वफा कर ये महिलाएं हनी ट्रैप में फंसा कर दुश्मन देश के खिलाफ उस सेना के जवान का इस्तेमाल करती हैं। कोई आपत्तिजनक फोटो या चैट मिल जाए तो उसके जरिए जवान को ब्लैकमेल किया जाता है और बदनामी के डर से वो देश से जुड़े सारे राज उसके सामने उगल देता है। इस हनी के जाल में फंसाने वालों में रशिया की खुफिया एजेंसी KGB सबसे ज्यादा बदनाम रही है। सिर्फ KGB क्यों, अमेरिका और चीन भी हनी ट्रैप के जरिए जासूसी कराने के लिए बदनाम है। जाहिर है अगर एक बार दुश्मन को देश की जानकारियां हाथ लग जाएं, तो उसके खिलाफ रणनीति बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। महिला जासूस ऐसे कामों को अंजाम देती हैं और देश के अहम लोगों को फंसा कर एक लंबा जाल बुनती हैं। ताजा मामला एक BSF के जवान का हसीनाओं के जाल में फंसने का है, यानी कि पकड़ा गया ये जवान भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है। और इस जवान को खुफिया जानकारियों के खुलासे करने के आरोप में UPSTF की नोएडा यूनिट ने गिरफ्तार किया है। ATS की माने तो जिस महिला ने BSF जवान अच्युतानंद मिश्र को फंसाया वो खुद को मिस्र की नागरिक और सेना की रिपोर्टर बता रही थी, जिसने जवान अच्युतानंद मिश्र से पहले तो फेसबुक पर चैट की, फिर वीडियो कॉलिंग भी की और पाक विरोधी बातें करके जवान के लिए जाल बुना और फंसा दिया। पूछताछ में अच्युतानंद मिश्र ने इस बात को स्वीकारा है कि उसने महिला की फेक आईडी पर चैट के माध्यम से सेना की खुफिया जानकारियां, कुछ नक्शे और दस्तावेज ISI को दिए हैं। इससे पहले भी सेना से जुड़े कई लोग हनी ट्रैप का शिकार होकर दुश्मन देशों तक भारत से जुड़ी खुफिया जानकारियां पहुंचा चुके हैं। वायुसेना के कैप्टन रहे अरुण मारहवा पर भी खुफिया जानकारियां साझा करने के आरोप लगे। मारहवा को वायुसेना के इंटेलिजेंस की तरफ से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया था। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में तैनात एयरमैन सुनील कुमार को भी एक महिला को गोपनीय जानकारियां मेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पैसों के लिए सुनील कुमार मीना रैना नाम के एक अकाउंट पर जानकारियां साझा कर रहा था। सिकंदराबाद में तैनात भारतीय सेना का जवान नायब सूबेदार पाटन कुमार पोदार भी हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की एक महिला जासूस को लंबे समय तक सेना के अहम राज बताता रहा था।